नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुबोध सुंदरा। कांग्रेस से जुड़े युवा नेता और एक्टिविस्ट संदीप सिंह का नाम एक बार फिर चर्चा में है। बिग बॉस फेम अभिनेत्री एवं कांग्रेस नेता अर्चना गौतम ने प्रियंका गांधी के करीबी संदीप सिंह पर मेरठ में केस दर्ज कराया है। अर्चना गौतम ने संदीप सिंह पर धमकी देने और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। संदीप सिंह इससे पहले भी चर्चा में आ चुके हैं, जब साल 2019 में प्रियंका गांधी के सोनभद्र दौरे के वक्त वो एक पत्रकार से उलझ पड़े थे। संदीप सिंह मूल रूप से यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। वामपंथी छात्र राजनीति से जुड़े रहने के बावजूद संदीप सिंह की कांग्रेस में एंट्री का किस्सा भी खासा रोचक है। संदीप सिंह ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अलावा देश की प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की है। संदीप जेएनयू में CPI-ML के छात्र संगठन ऐसा की राजनीति करते थे और वह जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने थे। तब संदीप सिंह के नेतृत्व में स्टूडेंट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को काले झंडे भी दिखाए थे। बाद में संदीप सिंह का लेफ्ट पार्टी पॉलिटिक्स से भी मोह भंग हुआ और कुछ दिनों तक उन्होंने टीम अन्ना के साथ भी काम किया। साल 2017 के आसपास संदीप सिंह की मुलाकात कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हुई। इसके बाद संदीप सिंह की कांग्रेस में एंट्री हो गई। 2019 में प्रियंका गांधी को जब यूपी की कमान मिली तो संदीप सिंह पावरफुल भूमिका में आ गए। उन्होंने प्रियंका के मिशन यूपी को डिजाइन करने में अहम भूमिका अदा की। यहाँ तक कहा जाता है कि प्रियंका गांधी ने यूपी में कांग्रेस के संगठन में जो आमूलचूल बदलाव किए उसमें तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ संदीप सिंह का भी खासा हस्तक्षेप रहा। यूपी में संगठन से साइडलाइन किए गए कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने संदीप सिंह की कार्यशैली को लेकर सवाल भी उठाए। हालांकि इससे कांग्रेस में संदीप सिंह के कद पर कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ा। राहुल गांधी की हालिया भारत जोड़ो यात्रा में भी संदीप सिंह काफी सक्रिय भूमिका में देखे गए। हालांकि अब जब अर्चना गौतम ने संदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया है तो उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए न्यूज रूम पोस्ट के साथ। नमस्कार।